तीन दिन पहले 7 बजे के बाद ये लोग आए हैं कि हमें ये थड़े तोड़ दो, नहीं तो सुबह 11 बजे तक अल्टीमेटम दिया, अदरवाइज हम पूरे पूरा पंजा लेकर तोड़ देंगे विदाउट एनी नोटिस। हमने उनके साथ कोऑपरेट किया, वो देखो मेरे घर में 2 होल किए हुए हैं जो अभी तक खुले हुए हैं, कूड़ा मेरे घर के आगे पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं उठवाया, स्टिल इतना कोऑपरेशन करने के बाद देखो सारी थड़ियों में हमने होल कराए हैं, आज फिर लेकर आ गया बिना नोटिस के और बिना इन्फॉर्मेशन के हमारे थड़े तोड़ रहे हैं। ये देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे में वो खुले हुए में कैसे बच्चों के लिए बाहर आना इजी है। सांप परसों रात को यहाँ से इतना बड़ा सांप निकला है, रोज कॉकरोचेज आ रहे हैं, इतना कूड़ा होता है यहाँ पे, वो तब सफाई कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने हुए मैंने उसको कवर कराया और आज ये तोड़ने आ गए। यहाँ पे कोई थड़ी नहीं थी, तब प्रशासन कहा था तब क्यों नहीं इनको नालों का सुझाव, अगर आज हमने 4 थड़ियाँ बना लिया तो आज इनको ये होगा कि हमने नाले बनाने हैं, 4 साल पहले कहाँ गया होता प्रशासन। नमस्कार, तस्वीरें इस वक्त आप न्यू रमेश नगर वार्ड नंबर 13 से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे यहाँ के जो निवासी है लोग है वो यहाँ पे एकत्रित हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो है सफाई करवाने के लिए जो है JCB की मशीन आप देख सकते हैं कि उसको जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ पे भिजवाया गया था, लेकिन उसके बाद जो लोगों के घर है दुकानें हैं उसके बाहर की थलियों के साथ जो है तोड़फोड़ शुरू कर दी जाती है, वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद जो है इन लोगों द्वारा हल्ला गुल्ला किया जाता है कि बिना किसी नोटिस के क्यों आखिर उनके घर की बाहर की जो थलियाँ हैं उनको तोड़ा जा रहा है। पार्षद यहाँ के ईश गुलाती भी मौके पर पहुँचते हैं और लोग यहाँ पे सारे जो है एकत्रित हैं उनसे जाना चाहेंगे। सर क्या कुछ पूरा मामला एक बार बताइए। मैं जोगिंदर सानी समाज सेवक हूँ, मैं यहाँ से 50 साल से रह रहा हूँ। जो ये मेन सड़क है ना यहाँ भी रमेश नगर की, जो उसमें जब बरसात होती है 2.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है, जैसे नहर बन जाती है, इनके घरों में पानी घुस जाता है, बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जितने ये नाला बना हुआ है, जो मेन नाला है जो बगवाड़िया गैस की तरफ जाता है, उसका लेवल ठीक नहीं है, वो लेवल बैक मारता है, वो बैक मारता है लेवल, तो उसलिए पानी जो सारा गंदा इधर ये रमेश नगर में इकट्ठा हो जाता है। मुझे समझ आ रही है, थोड़ी बहुत ही समझ आ रही है, जितने भी 13 वार्ड में नाले बने हैं ना जी, इसमें एक में भी पानी नहीं निकलता। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इनका देखना चाहिए भी इसका क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या बनाई इन्होंने क्या नहीं। ये तोड़ने के आगे लाखों रुपये बेचारे लोन लेके तो बनाए हुए हैं, लोन तो खत्म हुआ नहीं और तोड़ना शुरू कर दें। अब इन्होंने कह दिया भाई थोड़े खड्डे मार दो जिसमें से हमारा पाइप निकल जाए पानी, पानी फिर भी निकलना है इसमें से, क्यों लेवल ही नहीं ठीक होगा तो पानी कहाँ से निकलेगा। ये कह रहे हैं डेयरियाँ तो उन्होंने गवर्नमेंट ने अलाट कर रखी है प्लाट, जब डेयरियाँ जाएंगी तो डाएंगी, वैसे ही पानी को गवर्नमेंट को चाहिए ना। ये अगर इसमें जो ये पानी यहाँ पे बरसातों के दिन में, मैं कमिश्नर साहब DC साहब को ये अनुरोध करता हूँ, मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करता हूँ, ये रमेश नगर में जब बरसातें होंगी फिर देखना कितना इधर 2.5 फुट पानी हो जाता है, घरों में पानी घुस जाता है, उसका समाधान करो। नालों से नाले तो पहले ठीक नहीं बने हुए थे, इसको क्या समाधान होगा, इसका लेवल ही ठीक नहीं है तो पानी कहाँ से निकलेगा, ये बैग मारता सारे नाले जितने भी हैं। वाकई अगर आप बारिश के मौसम में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है पानी भर जाता है, यहाँ से वाहनों का आना जाना, पैदल आने जाने वाले लोगों का बहुत मुश्किल हो जाता है, इनफैक्ट घरों और दुकानों में भी पानी चला जाता है। मैम आप यहाँ पे रहते हैं, क्या कुछ दिक्कतों का सामना करती है और आज किस चीज़ को लेकर यहाँ पे विरोध करने पहुँचे? आज ये था, परसों 3 दिन पहले 7 बजे के बाद ये लोग आए हैं कि हमें ये थड़े तोड़ दो, नहीं तो सुबह 11 बजे तक अल्टीमेटम दिया, अदरवाइज हम पूरे पूरा पंजा लेकर तोड़ देंगे विदाउट एनी नोटिस। हमने उनके साथ कोऑपरेट किया, वो देखो मेरे घर में 2 होल किए हुए हैं जो अभी तक खुले हुए हैं, कूड़ा मेरे घर के आगे पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं उठवाया, स्टिल इतना कोऑपरेशन करने के बाद देखो सारी थड़ियों में हमने होल कराए हैं, आज फिर लेकर आ गया बिना नोटिस के और बिना इन्फॉर्मेशन के हमारे थड़े तोड़ रहे हैं। ये देखो हमारे छोटे छोटे बच्चे में वो खुले हुए में कैसे बच्चों के लिए बाहर आना इजी है। सांप परसों रात को यहाँ से इतना बड़ा सांप निकला है, रोज कॉकरोचेज आ रहे हैं, इतना कूड़ा होता है यहाँ पे, वो तब सफाई कोई जरूरत नहीं है। 6 महीने हुए मैंने उसको कवर कराया और आज ये तोड़ने आ गए हैं। जब इतने टाइम से हम सफर कर रहे हैं तब किसी को दिखाई नहीं दिया, आज हम अपने घर के आगे थोड़ी सफाई चाहते हो तो अब ये सब आ गए। ये कोई इस तरह के तो कोई काम नहीं हो सकते। नहीं, 4 साल पहले यहाँ पे कोई थड़ी नहीं थी, तब प्रशासन कहा था तब क्यों नहीं इनको नालों का सुझाव, अगर आज हमने 4 थड़ियाँ बना लिया तो आज इनको ये होगा कि हमने नाले बनाने हैं, 4 साल पहले कहाँ गया होता प्रशासन, हमारे इतने 20 साल से खुले हुए थे सारे थड़े, हमने तो 4 साल से तो कवर कर रहे हैं। पुराना नाला है ये 40 साल से, सिर्फ 2 डेयरियों का गोबर अगर बंद हो जाए तो एक नाला नहीं एक नाली बन के रह जाएगा, और मेन भगवाड़िया एजेंसी के पास जो है सारा वहाँ से पानी बैक करता है, वो थोड़ा बड़ा किया जाए तो पानी सीधा निकलेगा, और सिर्फ 2 डेयरियाँ बंद होनी ही चाहिए हर हाल में, उन डेयरियों की वजह से तो कोई गंध है ही नहीं नाले में, 36 साल से पानी आ रहा है यहाँ पे, तब तो आधे पौने घंटे बाद निकल भी जाता है बारिश का पानी, लेकिन अब जब सांप निकलते हैं इतने कॉकरोच वगैरह, बच्चों को अगर बीमारी होती तो वही हम नहीं लगाए। और परसों भी बिना नोटिस के 7 बजे ना किसी के जेंट्स घर थे ना कोई, एकदम कहा जी अभी तोड़ेंगे, मुश्किल से रात का टाइम मांगा 10 बजे तक इन्होंने कहा, हम 10 बजे तक होल सभी ने करवा लिए, अब आए जी होल नहीं, अब तो हम थड़ी फिर तोड़ेंगे। ये देखिए मैम, हाँ जी बताइए। ये देखिए ये हालात होते हैं यहाँ पे,
आगे चश्मे वाली दुकान है, बारिशों से बगैर बारिशों के भी ये जो बंद हो जाता है तो ये हालात होते हैं जी। अच्छा, तो मुझे लगता है आम नागरिक को बहुत दिक्कत होती होगी इसकी वजह से। ये देखो जी, उससे भी नाले में हो सकती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो सीवरेज है यहाँ पे मौजूद वो किस तरीके से बिल्कुल चोक हो जाता है, और पानी जो है वो बैक जरूर मारता है। यहाँ के रहने वाले लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी, रिहायशी इलाके। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? इसमें जो मेन पॉइंट है ना वो है सोल्यूशन। जो सोल्यूशन नहीं हो रहा, सिर्फ गुंडागर्दी हो रही है यहाँ पे। सोल्यूशन क्या है? अपने इंजीनियर्स को बुलाओ, जो पानी की निकासी है उसको ठीक कराओ, सारा काम ठीक हो जाएगा। हम आज तोड़वा देते हैं थड़िया, अगर आप कहोगे, आप लिख के हमें दोगे कि यहाँ पे पानी दोबारा नहीं रुकेगा। ये जो थड़े आप लोग देख रहे हो, ये सब लोगों ने अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने घर के आगे सफाई रखने के लिए बनाए थे। उसके बाद भी जब परसों तीन दिन पहले जब भी ये लोग आए हैं, जो उन्होंने सोल्यूशन दिया हम लोगों ने किया। ये आप देख रहे होंगे सारे, ये ओपन है, सब ने अपने अकॉर्डिंग वो बना लिए कि जो सफाई करनी होती है सफाई हो जाएगी। उसके बाद इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। जो भी ये लोग काम कर रहे हैं, काम ये करें, अपने इंजीनियर को बुलाएं, यहाँ की निकासी ठीक करें। इवन यहाँ छोड़ो, पूरे करनाल में निकासी खराब है। हमारे यहाँ पे जो क्लॉक टावर रोड है, अगर वहाँ पे बारिश आ जाती है तो आपको पता है कि 3-3 फुट पानी भर जाता है, वहाँ से गाड़ी निकलने भी मुश्किल हो जाती है। पूरे करनाल में कहीं पे निकासी ठीक नहीं है। जो मेन काम करना है वो करे गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ऐसे काम करेगी तो उसको वोट भी कौन देगा? तो ये जो सारी चीज है वो है सोल्यूशन। सोल्यूशन दे दो, हमारे थड़े तोड़ दो, हमें कोई एतराज नहीं है। बिल्कुल, पार्षदीश गुलाटी भी हमारे बीच मौजूद है। सर क्या कुछ पूरा मामला था, एक बार आप बताइए। इसका यहाँ पे ना पानी रुकता है खेड़ा चौक पे, खेड़ा चौक पे पानी रुकता है। तो इसके समाधान के लिए जो है नगर निगम की टीम आई थी कि नाले खुलवाने के लिए। कुछ इनके रैंप रूम बने हुए थे तो वो तोड़ने लगे थे, तो इन्होंने मुझे बुलाया। जब मैं मौके पे आया तो जेसीबी को हमने रोक के इनसे पब्लिक से रिक्वेस्ट करी। इन्होंने बोला खुद हम जो हमारी जो इनकी कॉमन दीवार होगी उससे तोड़कर, और ये मतलब कि जो लेबर को काम करने का रास्ता बना के देंगे, तो उससे बात नहीं पड़ेगी, खत्म हो गया, हो जाएगा ये काम, खत्म हो जाएगा अभी। और जैसे आम नागरिकों को दिक्कत आ रही है, उसका क्या कुछ आगे जो है सोल्यूशन निकाला जाएगा, क्या कुछ हल निकाला जाएगा? कुछ नहीं, जो ये प्रॉब्लम आ रही है, देखो आगे बगवाड़े गैस वाले जो उनका पुली है वो छोटी है, उस छोटे पुली को बड़ा करने के लिए काम शुरू कर रहे हैं। और जो उनसी बेयर मेन रोड है, रेलवे रोड से लेकर और बगवाड़िया गैस तक, ये दोनों साइड पे का टेंडर लग चुका है। वॉल इधर साइडों में दोनों साइड ड्रेन बनेगी और वॉल टू वॉल कंक्रीट की रोड बननी जा रही है। तो इससे जो है इस मानसून में तो जो है बूस्टिंग पंप लगा के इस पानी को निकाला जाएगा, और नेक्स्ट जो जो होगा उसमें इसको सड़क बना के बिल्कुल ओके हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, तस्वीरें इस वक्त आप लोग वार्ड नंबर 13 से देख रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे जो है पानी ज़रूर इकट्ठा होता था, उसके चलते नगर निगम जो है 3 दिन पहले शाम को 7 बजे यहाँ पे पहुँचता है, लोगों को एक तरीके से अल्टीमेटम देता है, और लोग भी कोऑपरेट करते हैं। आप देखेंगे कि उनके घरों के आसपास जो है होल्स किए जाते हैं ताकि जो पानी जो है बैक मारता है यहाँ पे, उसका जो सोल्यूशन किया जाए, जो गंदगी फंसती है, क्लॉग हो जाते हैं यहाँ के जो नाले वगैरह होते हैं, उस सब का सोल्यूशन किया जाए। और आप देखेंगे कि उसके बाद आज फिर से जो है नगर निगम के द्वारा यहाँ पे प्रशासन का पीला पंजा पहुँचता है, लोगों की थलियों को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, यहाँ के जो निवासी हैं एकजुट होकर एकत्रित हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं। उसके बाद पार्षदीश गुलाटी मौके पर पहुंचते हैं और नगर निगम से अपील की जाती है, जो ये तोड़ा फोड़ी है उसको रोका जाता है। लेकिन अब लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो होल्स हैं उनको खुलवा दिया जाता है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ से सांप निकल जाते हैं, तो अब इसका क्या कुछ हल होगा? हालांकि पार्षद का कहना है कि जल्द से जल्द इसका हल किया जाएगा। बारिशों में यहाँ पे कितने कितने फुट पानी इकट्ठा हो जाता है, आना जाना लोगों का मुश्किल हो जाता है, तो उसका हल जल्दी ही किया जाएगा। भव्य नारंग।